तो दोस्तों कल रात बॉलीवुड फेसबुक के साथ मिलकर आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट का हिस्सा बना और इस कॉन्सर्ट में हमें बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी नजर आई। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में योगदान करने के लिए बॉलीवुड स्टार्स एक मंच पर साथ आए। आई फॉर इंडिया नाम के इस कॉन्सर्ट का मकसद था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फंड्स इकट्ठे करना, जिसके लिए स्टार्स ने पूरी कोशिश की। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 7:30 से 12 बजे तक चले इस कॉन्सर्ट में फैंस ने कुल 3,44,00,000 रुपए दान किए। दोस्तों इस शो की शुरुआत की अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार ने एक जोशीली कविता के साथ इस कॉन्सर्ट का आगाज किया और उनका जुनून देखते ही बनता था। और दोस्तों इसके बाद एक के बाद एक कई सेलेब्स ने दमदार परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन दोस्तों जिस परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया और तमाम लोगों का दिल जीत लिया वो परफॉर्मेंस थी बॉलीवुड के ग्रेट गॉड ऋतिक रोशन की। दोस्तों सबसे पहले तो ऋतिक रोशन ने बताया कि वो इस अमेजिंग इनिशिएटिव का हिस्सा बनकर काफी खुश है। और साथ ही ऋतिक ने उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट दिया जो दिन रात इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद शुरू होती है ऋतिक रोशन की मैजिकल परफॉर्मेंस। दरअसल दोस्तों ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए ऋतिक रोशन अपना फेवरेट सॉन्ग तेरे जैसा यार कहा गुनगुनाते नजर आए। और दोस्तों ये गाना तब और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया जब ऋतिक गाने के साथ साथ पियानो भी बजा रहे थे और ऋतिक ने वाकई में अपनी परफॉर्मेंस से सबके होश उड़ा दिए। वही दोस्तों ऋतिक रोशन ने इस परफॉर्मेंस के लिए लगभग 7 घंटों तक प्रैक्टिस की। वो प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है और ना ही पियानो बजाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और पियानो की धुन पर गाना भी गाया। और दोस्तों कहना ही पड़ेगा कि ऋतिक ने अपनी वॉइस और पियानो स्किल्स के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस आप बताइए कि आपको ऋतिक की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो टॉप चैनल को। जय हिंद।